क्या अपनी स्टारडम को चमकाने के लिए खेसारी लाल यादव को पवन सिंह की जरूरत आन पड़ी है? जी हाँ, आपने देखा होगा कि खेसारी का जब हिंदी सॉन्ग रिलीज हो रहा था तब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को बुजुर्ग भी कहा था उस लाइव में, और ये भी कहा था कि उन्हें यकीन है कि उनके लिए पवन सिंह ज़रूर लाइव आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पवन सिंह ना उनके लिए लाइव आए ना उनके लिए कुछ कहा, और ये सारी बातें खेसारी के फैंस को काफ़ी चुभी और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा पवन सिंह को, कहा यहाँ तक कि वो घमंडी है। लेकिन खैर, इन सब चीज़ों को एक स्टार्स को जूझना पड़ता है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जिस तरह से जो भी देवी गीत आ रहा है खेसारी का, जिस तरह से उसके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार रोज़ रिलीज़ पे रिलीज़ हो रहे हैं देवी गीत, उन्हें देखकर ये लग रहा है कि खेसारी गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर ही मानेंगे सबसे ज़्यादा गाना गाने वाले एक्टर के तौर पर। क्योंकि जिस तरह से एक दिन में दो दो गाने रिलीज़ हो रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि खेसारी के लगता है देवी गीत ही इस साल के 50 से 60 रिलीज़ हो जाए। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि उन देवी गीतों में कोई भी देवी गीत ऐसा नहीं है जिसे बड़े ही शोर शराबे के साथ सुना जा रहा हो। एक बार को छोड़ दे तो पवन सिंह कभी खेसारी लाल यादव से मिलने नहीं गए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि खेसारी हर बार आते हैं और पवन सिंह से मिलते हैं और सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है पवन सिंह के फैंस का। और अब अपने स्टारडम को लेकर खेसारी खुद ज़्यादा चिंता में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आजकल वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें देखकर ये लग रहा है कि काफ़ी इनसिक्योर होते जा रहे हैं खेसारी। तो ये एक फेज जो होता है हर एक स्टार के लाइफ में आता है, नो डाउट उससे इनसिक्योर होना गलत है, लेकिन अपने आप को इस तरह से पेश करना भी गलत है। क्योंकि खेसारी के जो मैनेजमेंट है उसमें भी काफ़ी कुछ टकराव हो रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।